ताज की नगरी आगरा से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां किसी फिल्म सीन की तरह कुख्यात गैंगस्टर को उसके तीन साथियों ने मिलकर छुड़ा लिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मामला फिरोजाबाद के लाइन पार गांव का है, जहां 30 से ज्यादा केसों में नाम आने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत विनय शोश्रिय को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी 15 दिसंबर 2018 से ही जेल में बंद था, लेकिन बीते दिनों से कोर्ट में पेशी के लिए जेल लाया गया। तभी अचानक वहां पहले से मौजूद आरोपी के दो तीन साथियों ने हेड कांस्टेबल श्यामवीर सिंह पर ईंट से हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल बुरी तरह से जख्मी हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए गैंगस्टर विनय शोश्री और उसके साथी वहां से फरार हो गए। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और शहर के सभी चेक पॉइंट पर नाकाबंदी कर दी। बता दें, घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसे देख तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो ये किसी फिल्म का क्लाइमेक्स हो। पुलिस जैसे ही गैंगस्टर को दीवानी परिसर में पेशी के लिए लेकर पहुंची, वैसे ही वहां पहले से घात लगाकर मौजूद गैंगस्टर के दो तीन साथियों ने हमला बोल दिया। पुलिस कुछ समझ पाती, लेकिन तब तक हमलावरों ने अपने प्लान को अंजाम दे दिया और गैंगस्टर को लेकर फरार हो गए। वही अब इस फिल्मी वारदात में राजनीति मोड़ भी आ गया है। मामले में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है और ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी के राज में यूपी पुलिस की रक्षा के लिए भी एक विशेष पुलिस बना दी जाए। अखिलेश के तंज के बाद माहौल और गर्मा गया है। ऐसे में अब कहानी में क्या मोड़ आता है, ये देखना दिलचस्प होगा।